पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। तारू तारू संभालिए अपने आप को। तारू कहकर मत बुलाए, खो दिया अपने अधिकार हमें बहन कहने का। अपने प्राणों से बढ़कर माना आपको, आपकी राखी के वचन को अपने सपनों का सुरक्षा कवच माना, स्वयं से अधिक भरोसा किया। आपने क्या किया, हत्या कर दी हमारे चिकित्सक ध्रुव की, जो हमें सबसे अधिक प्रिय थे। तारू, हम आपको कैसे समझें? हमने उन्हें बचाने का बहुत प्रयास किया, हमने उन्हें कहा भी कि नवरंग वन की ओर चले जाइए, भाग जाइए, हम काल सेना को संभाल लेंगे, किंतु वो गए नहीं। और फिर वही हुआ जिसका भय था। हमें क्षमा कर दीजिए तारू, तारू तारू हमें क्षमा कर दीजिए। आपके क्षमा करने से वो जीवित नहीं हो जाएंगे। वो चले गए हमसे दूर, हमेशा हमेशा चले गए। वो चले गए। क्षमा नहीं करेंगे हम आपको। आज के बाद आप हमारे भाई नहीं, आज के बाद हम आपकी बहन नहीं, आज के बाद आपकी उस कलाई पर कभी राखी नहीं बांधेंगे हम अपनी। हरू, ऐसा मत कहिए, आप हमें खुद को तारू कहने से मत रोकिए, ये रिश्ता मत तोड़िए आप हमसे। तारू, आपकी राखी अभी हमारे हृदय की धड़कन है, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। तारू, हम विनती कर रहे हैं। हमने भी हाथ जोड़े थे, हमने भी विनती की थी, हमने क्या किया, आपने प्राण ले लिए उनके, हमने केवल उनकी हत्या नहीं की, आपने तारा और माई जी के रिश्ते की हत्या की। उचित है हम आपसे कुछ भी कह लें, हम आपको समझा नहीं पाएंगे। हमें चिकित्सक ध्रुव और आपके बीच किसी एक को चुनना था तारू, हमने आपको चुना। जिसने आपको जीवन दान दिया उसकी हत्या कैसे कर दी आपने महावीर? अपने पाप को सिद्ध करने के लिए रिश्तों की आड़ मत लीजिए। एक पाप तो आप कर चुके हैं, उसे सही सिद्ध करने के लिए दूसरा पाप कर रहे हैं। आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय या तो जीतते हैं या मर जाते हैं, बहाने नहीं बनाते। इस समय आपको तारू के आगे खड़े रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय वो अपने भाई जी को नहीं देखेंगी, केवल चिकित्सक ध्रुव के हत्यारे को देखेंगी। आप जाइए यहां से महावीर, महावीर आप जाइए यहां से,
अपना सब खो दिया हमने, वचन दिया था सुशीला माँ को सुरक्षित लौटाएंगे उनके पुत्र को उसके पास, नहीं दे पाए, हमारे कारण खो दिया उन्होंने अपना पुत्र माँ, ये क्या हो गया? मन छोटा ना करें युवराज, कोई भी माता अधिक दिनों तक अपने बच्चों पर क्रोधित नहीं रह सकती। कुछ समय बीत जाएगा, उसके बाद महारानी जी भी आपको क्षमा कर देंगी। ये समय थोड़ा सा कठिन है, किंतु इस कठिन समय में हम आपके साथ हैं युवराज। नहीं चाहिए हमें आप जैसे पापी का साथ, हमें आपसे रवि बाबा चाहिए, अभी इसी क्षण। मिल जाएंगे युवराज, किंतु थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। एक बार हमारा विवाह हो जाए, हम उन्हें आपको सौंप देंगे। किंतु स्मरण रहे, जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता, आप किसी प्रकार की कोई चतुराई मत कीजिएगा, हमारे विरुद्ध किसी को बरगलाने का प्रयास मत कीजिएगा, और हमारी किसी भी योजना को नष्ट करने का प्रयास मत करना, अन्यथा आप, आपके पास बूढ़े बाबा नहीं, उनका शीश आएगा। क्या हुआ युवराज? बहुत क्रोध आ रहा है, हमें मारने का मन कर रहा है। ले लीजिए, मार डालिए। नहीं मारेंगे आप, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो वो जो है ना बूढ़े बाबा रवि जी, वो कहां अंतर ध्यान हो गए, आप कभी जान भी नहीं पाएंगे। वैसे ही आपका हृदय उस चिकित्सक की हत्या करने के बोझ से दबा हुआ है, अब उसके पश्चात उसके उसके पिता की मृत्यु का बोझ, उसकी गिलानी आपकी आत्मा आपका शरीर नहीं ले पाएगा, आप नहीं जी पाएंगे युवराज। सबकी कितनी चिंता है हमें, से इतना क्रोधित है कि बात तक नहीं करेंगे। हमने हमेशा बिना आपके कहे आपके मन की बात समझी, परंतु आप नहीं समझ पाए हमारे मन की बात। क्यों हत्या की चिकित्सक ध्रुव की, क्यों मारा उन्हें, क्यों? तार, चिकित्सक ध्रुव हमें भी प्रिय थे, हम भी नहीं चाहते थे कि उनका इस प्रकार दुखद अंत हो। उन्हें मृत्युदंड आपके पिता ने नहीं, एक राजा ने दिया था, क्योंकि यही राजधर्म है। हम विवश थे और चिकित्सक ध्रुव की मृत्यु से हमें भी दुख है, लेकिन जीवन आगे बढ़कर जिया जाता है, पीछे मुड़कर देखकर नहीं। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप उन्हें भूल जाएं और अपने जीवन में आगे बढ़े। आगे बढ़े? आगे बढ़ने से आपका क्या तात्पर्य है महाराज? चिकित्सक ध्रुव की मृत्यु हुई है, ऐसे समय पर दारू के विवाह के बारे में आप विचार भी कैसे कर सकते हैं? क्षमा करें महाराज,
किंतु हमें लगता है कि महारानी जी सही कह रही हैं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।